कहते हैं टीम के पास दो युवराज हैं, ऐसा सब कह रहे हैं, लेकिन युवराज सिंह खुद इसको मना करते सामने आए हैं। उन्होंने कहा है पहले खिलाड़ी को उभरने दो, उसके बाद उसे कोई नाम दो। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। जिस तरीके से शिवम दुबे खेलते हैं, उनकी टेक्निक्स बिल्कुल युवराज सिंह की तरह दिखती हैं। युवराज सिंह 6 छक्के मार के आए, तो वहीं दूसरी तरफ शिवम दुबे ने भी 6 छक्के लगाए, लेकिन अब युवराज सिंह इसको सामने आकर खुद ही दोबारा बोलते नजर आए कि उन्हें अभी मौका दो, उन्हें खेलने दो। जिस तरीके से वो प्रदर्शन करेंगे आगे जाके कुछ सोचना चाहिए, ऐसे किसी खिलाड़ी के बारे में अभी एकदम से नहीं बोलना चाहिए। खुद उसे नाम कमाने दो, उसके बाद वो प्रदर्शन करे, उसके बाद उसके बारे में सोचना चाहिए। इसी को लेकर आज हमारे बीच चर्चा में शामिल हुए हैं अमन जी। अमन जी, किस तरीके से देखते हैं युवराज सिंह जो सिक्सर किंग है, इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाड़ियों के खिलाफ 6 छक्के मारे, और अब इस सिक्सर किंग के बारे में उन्होंने इस तरीके से रखी अपनी राय? जी बिल्कुल हर्ष, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवराज सिंह अगर बोल रहे हैं तो उसकी बिल्कुल बात रखी जानी चाहिए, मानी जानी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी डेब्यू किया उन्होंने, ऐसा कोई करिश्मा अंतर्राष्ट्रीय जगत में तो किया नहीं है कि जिसकी तुलना एकदम युवराज सिंह से करने लगे, क्योंकि युवराज सिंह को युवराज बनने में सालों लगे हैं, 15-16 साल क्रिकेट खेला है, तो एक बड़ा तजुर्बा उनके पास है। और ये कह देना कि भाई पहले ही मैच में आए हैं, युवराज सिंह से तुलना है, युवराज सिंह की तरह खेलते हैं, देखिए किसी की तरह होना बहुत आसान बात हो जाती है, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत अलग तरह की बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक अलग तरह का क्रिकेट है, यहाँ पर जब आप आते हो तो तमाम नए गेंदबाज, दुनिया के धुरंधर गेंदबाज आपके सामने होते हैं, तो जाहिर बात है कि आपको अपनी टेक्निक का वहाँ पर आजमाने का मौका मिलता है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली मैच में वो एक रन पे महज आउट हो गए, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि युवराज सिंह से तुलना करना क्या सही होगा। और खुद युवराज सिंह ने यही बात कही है कि पहले उन्हें आप खेलने तो दीजिए, आप 2-4 पारी तो उनकी निकल कर आने दीजिए, उसके बाद मेरे नाम के साथ में आप जोड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरह से अभी कोई परफॉर्मेंस ऐसा निकल कर सामने आया नहीं है, कोई बड़ी इनिंग उनकी देखने को मिली नहीं है, वो एटीट्यूड नजर आया नहीं है, तो आप तुरंत मेरे से तुलना करना शुरू करें तो ये थोड़ा सा दुखदाई, अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, शिवम दुबे के बारे में जरूर मैं ये कहना चाहूँगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका बढ़िया एक रहा है और अटैकिंग बैट्समैन माने जा रहे हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तेज तरह पारियां खेलते हैं, लेकिन हाँ जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है उसमें वो क्या करते हैं, उसमें किस तरह करिश्मे पारियां खेलते हैं, उसके लिए फिलहाल हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से युवराज सिंह का डेब्यू रहा था जी, उसके मुकाबले शिवम दुबे कहीं भी स्थित नहीं। बिल्कुल हर्ष, और मैं पहले भी आपसे एक बार बात कर रहा था कि 84 रनों की इनिंग युवराज ने अपने पहले ही डेब्यू मैच में खेली थी, और ये हालांकि दूसरा उनका टेक्निकली मैच था, पहले मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई थी, दूसरे मैच में बैटिंग आई तो 84 रन उन्होंने मारे, और ये बताता है कि युवराज सिंह तो बाकी युवराज थे, शुरुआत से उनकी जो टेक्निक थी, तो उनका जो अंदाज था खेलने का वो बेमिसाल था, बिल्कुल जो गेंद के खिलाफ खेलते थे, बहुत अटैक करके खेलते थे, उनके सामने मैकले जैसे गेंदबाज हुआ करते, ब्रेडली जैसे गेंदबाज हुआ करते, तो दुरंतर गेंदबाज हुआ करते उस दौर के, लेकिन फिर भी उनकी जो इनिंग थी, उनकी जो पारियां थी, बहुत जबरदस्त बेमिसाल पारियां हैं। तो ये जाहिर बात बताता है कि युवराज सिंह शायद यही कहना चाह रहे हैं कि भाई जल्दबाजी में आप कोई फैसला तुलना करना शुरू कर देते हैं, और मीडिया में ये उतावलापन है कि तुरंत किसी के नाम किसी साथ में जोड़ देते हैं। मुझे याद आता है कि जब सहवाग टीम में आए थे तो उनको क्लोन कहा जाता था सचिन तेंदुलकर का, कि वो क्लोन है और उनकी जैसे देखते हैं, उनकी जैसे बैटिंग करते हैं, लेकिन जरा देखिए उनकी क्या बेमिसाल पारी निकल कर सामने आती है, टेस्ट मैच में 2-3 शतक, वनडे में और T20 में क्या कमाल की पारियां उनकी देखने को मिली हैं। तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि उनकी तरह दिखते हैं, उनकी तरह खेलते हैं, लेकिन उनको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो शिवम दुबे, लेकिन अमन जी अगर बात करी जाए, कॉपी राइटर कोई हो सकता है अपना, अगर खुद करना है तो सबसे अलग निखर के आना चाहिए, क्योंकि कॉपी करके हम किसी की जो भूमिका है वो नहीं निभा सकते। देखिए बिल्कुल, मैंने तो कहीं सुना था एक बार कि गावस्कर की तरह कभी सचिन नहीं हो सके, सचिन की तरह कभी विराट नहीं हो सकते, विराट की तरह जो आने वाले बल्लेबाज वो नहीं हो सकते। सबका एक यूनिक स्टाइल होता है, यूनिक उनकी पर्सनैलिटी होती है, यूनिक उनका दौर होता है, क्योंकि हर एक दौर के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। जब सचिन खेला करते थे तो देखिए कितने महान गेंदबाज उस समय खेला करते थे, अब जब विराट कोहली हैं तो ऐसे इक्का दुक्का ही गेंदबाज नजर आते हैं, तो ये एक चर्चा का विषय अलग हो सकता है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर बात ये कही जा सकती है कि किसी की तुलना किसी से करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि शिवम दुबे जब जिस दौर में खेलने के आए हैं, जिस दौर में डेब्यू कर रहे हैं, वो T20 है, युवराज सिंह ने वनडे से डेब्यू किया था, तो ये एक अलग तरह की बात हो जाती है। युवराज सिंह ने जिस तरह के टेम्परामेंट दिखाई, जिस तरह का उनका संयम था, अटैकिंग भी उनके अंदर थी, फील्डिंग जबरदस्त थी, और तमाम गेंदबाजी बढ़िया किया करते थे, तो ये बेमिसाल क्रिकेटर थे, हरफनमौला खिलाड़ी थे। वहीं शिवम दुबे की बात करें तो बिल्कुल उनको अभी अपने आप को साबित करने की जरूरत है, साबित करते हुए मेरे ख्याल में आने वाले मैचेस में जरूर नजर आएंगे। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए कि ये कहा जाए कि क्या वो युवराज सिंह की तरह दिखते हैं, क्या वो युवराज सिंह की तरह खेलते हैं, क्या वो युवराज सिंह जैसा ही अपना करियर आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए तो अभी समय देने की जरूरत है, क्योंकि पहले मैच से आप ये सब चीजें को तय नहीं कर सकते। बिल्कुल, धन्यवाद अमन जी, जिस तरीके से आपने बताया कि युवराज सिंह है, क्योंकि उनका जो डेब्यू था वो 84 रन से था, और जो शिवम दुबे का डेब्यू है 1 रन से है।
तो ये बताता है कहीं ना कहीं अगर वो खिलाड़ी इतना उम्दा प्रदर्शन करता था तो किस वजह से वो युवराज सिंह है, किस वजह से ये शिवम दुबे हैं। तो कहीं ना कहीं तुलना करना अपने आप में ही गलत है। तो ये देखने वाली बात है आने वाले समय में शिवम दुबे खुद को किस तरीके से साबित करते हैं, क्योंकि साबित तो करना पड़ेगा क्योंकि ये भारतीय टीम है, यहाँ जगह ऐसे नहीं मिलती। अब देखना होगा शिवम दुबे आगे के मैचों में किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर। धन्यवाद।